बलात्कार और बदला पर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं। कानून और पुलिस का साथ नहीं मिलता और बलात्कारी मुस्कुराते हुए छूट जाते हैं। इसे देख कभी प्रेमी का खून खोलता है तो कभी पति का, कभी पिता का तो कभी मॉम का। चिर परिचित प्लॉट पर आधारित होने के बावजूद श्रीदेवी अभिनीत मॉम आपको शुरू से लेकर अंत तक बांध कर रखती है। दिल्ली में रहने वाली देवकी एक टीचर है। उसकी दो बेटियां हैं जिसमें से बड़ी आर्या सबरवाल की उम्र 18 वर्ष के करीब है। अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में वह जाती है जहां पर उसका क्लासमेट मोहित, उसका भाई और दो अन्य लोग बलात्कार करते हैं। सबूतों के अभाव में ये अपराधी छूट जाते हैं। पुलिस अफसर मैथ्यू फ्रांसिस चाहकर भी देवकी और आर्या की मदद नहीं कर पाता। देवकी और उसका पति बेहद दुखी हैं। ऐसे समय दया शंकर नामक एक प्राइवेट जासूस देवकी की मदद के लिए आगे आता है। किस तरह से देवकी अपराधियों को सबक सिखाती है, यह फिल्म का सार है। इस फिल्म को रवि उदयावर, गिरीश कोहली और कोना वेंकट राव ने लिखा है। बलात्कार और बदले के साथ उन्होंने कुछ उप कहानियां भी मुख्य कहानी से जोड़ी है। मसलन माँ और बेटी के रिश्ते में तनाव, युवा लड़की की सुरक्षा को लेकर उसके माता पिता की चिंता, बलात्कार को लेकर लचर कानून जैसी कुछ बातें फिल्म को अलग लुक देती है। फिल्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग बलात्कार होने के बाद की पीड़ा को दर्शाता है और यह काफी दर्दनाक है। बलात्कार पीड़िता को ताउम्र इस दर्द से गुजरना पड़ता है, साथ ही उसके परिवार का हर सदस्य भी इस दर्द को भुगतता है। फिल्म का यह हिस्सा आपको बेचैन कर देता है। आर्या के खौफ और दर्द को सिनेमा घर में बैठा हर दर्शक महसूस करता है और यह निर्देशक रवि उदयावर की कामयाबी है। आप आर्या के माता पिता की असहायता को भी महसूस करते हैं कि वे कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ निर्देशक ने एक उम्दा दृश्य रखा है। अपराधियों को अदालत बेकसूर करार देती है तो आर्या के पिता एक बलात्कारी को घूसा जड़ देते हैं और उन्हें सजा हो जाती है। देवकी कहती है कि इस देश में रेपिस्ट छूट जाते हैं और रेपिस्ट को एक चाटा मारने वाले को सजा हो जाती है। यह सीन हमारे समाज, देश और कानून के बारे में काफी कुछ कह जाता है। फिल्म का दूसरा भाग थ्रिलर में परिवर्तित हो जाता है जिसमें देवकी अपराधियों को अपने तरीके से सजा देती है। यह भाग थोड़ा अविश्वसनीय है। अपराधियों को जिस तरह से देवकी सबक सिखाती है यह देख अच्छा जरूर लगता है, लेकिन जिस तरह से वह यह सब करती है उस पर यकीन कम होता है। निर्देशक रवि यहाँ थोड़ा बहक गए और उन्होंने श्रीदेवी पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया। इससे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अक्षय खन्ना के किरदारों को उभरने का अवसर नहीं मिल पाया। बावजूद इसके फिल्म के खत्म होने तक रुचि बनी रहती है। फिल्म में प्रतिभाशाली कलाकारों का समूह है। श्रीदेवी का अभिनय शानदार है। उन्हें अपने अभिनय में कई रंग दिखाने का अवसर मिला है जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। अस्पताल में जब पहली बार अपनी बेटी का बलात्कार होने के बाद वे मिलती हैं, उस सीन में उनका अभिनय देखने लायक है। उनकी संवाद अदायगी जरूर कहीं कहीं दोषपूर्ण है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब जब स्क्रीन पर आते हैं तनाव से भरी इस फिल्म में थोड़ी राहत मिलती है। एक अलग ही हुलिया और अभिनय का अंदाज उन्होंने अपनाया है और हमेशा की तरह उनका अभिनय जबरदस्त रहा है। आर्या के रूप में सजल अली खूबसूरत लगी और श्रीदेवी के अभिनय के स्तर को उन्होंने मैच किया है। अक्षय खन्ना के पास ज्यादा करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कड़क पुलिस ऑफिसर के रोल में वे जमे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक A.R. रहमान ने दिया है और तारीफ करनी होगी रहमान के संगीत की, जिसके कारण मॉम को ताकत मिली है। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी तारीफ के काबिल है। संपादन दूसरे भाग में थोड़ा ढीला है और यहाँ पर फिल्म को छोटा किया जा सकता था। मॉम को वास्तविकता के निकट रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जो हल सुझाया गया है वो वास्तविक नहीं लगता। बावजूद इसके यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है। इस फिल्म को मैं 5 में से 3 स्टार देता हूँ।